कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी का असली मजा उठाने के लिए मौत को छू कर आना पड़ता है। दुनिया में कई सारे ऐसे खेल हैं जो आज भी खतरनाक माने जाते हैं। कभी कभी इंसान रोमांच की शोध में वो गलतियां कर बैठता है जो उनकी आखिरी गलती साबित हो जाती है, क्योंकि इसके बाद गलतियां करने के लिए वो दुनिया में ही नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिनके द्वारा की हुई गलती उनके जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। लेट्स बिगिन। नंबर 5, जेन विकर। विंग वॉकिंग इस दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक। प्लेन पे लगे विंग्स यानी कि पंखों पे बिना किसी सुरक्षा के करतब करना, इसे ही विंग वॉकिंग के नाम दिया गया है। जेन विकर ये महिला एक माहिर विंग वॉकर थी। उन्होंने ये तक तय कर लिया था कि वो अपने मंगेतर से विंग वॉकिंग के दौरान ही शादी करेगी, लेकिन कभी कभी जो चीज हमें मंजूर होती है वो शायद नियति को मंजूर नहीं होती। 2013 में एक शो के दौरान जहां हजारों की संख्या में क्राउड जेन को देखने के लिए मौजूद थी, उसी वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। असल में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन अचानक से पायलट का प्लेन पर कंट्रोल नहीं रहा और प्लेन जमीन पर आ टकरा गया। प्लेन के इस विस्फोट में जेन और पायलट दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हजारों दर्शक इस हादसे में बस दर्शक बनकर ही रह गए और कुछ नहीं कर सके। नंबर 4, पावेल काशिन। फ्री रनिंग और पार्कोर इस खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले खेल के इस दुनिया में लाखों दीवाने हैं। ऊंची ऊंची इमारत और घरों के छत से होकर दौड़ना मानो दिल की धड़कन और सांसें रोक देता है। पावेल काशिन ये रशियन स्टंटमैन को भी फ्री रनिंग और पार्कोवर का शौक था। ऊंची ऊंची दीवारों से होकर जान हथेली में लेके दौड़ने वाले पावेल के वीडियोस ने इंटरनेट पे करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली। पावेल के बेहद अनोखे कारनामों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन एक दिन पार्कोवर के दौरान हादसे में पावेल ने 16 फीट ऊपर से एक इमारत के एज को मिसजज करने की वजह से पावेल नीचे गिर गया और चल बसा। ये सारा वाकया पावेल के दोस्त ने फिल्मा लिया। पावेल के मौत के बाद पावेल के फैमिली ने ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दिया ताकि कोई भी इंसान इस हादसे से सीख ले और इतने खतरनाक स्टंट बिल्कुल भी ना करे। नंबर 3, ओरवर अर्नानसन एंड एंड्रीमर पोरडारसन। ये कहानी दो बदकिस्मत लोगों की है। ओरवर अर्नानसन, जिसे लगभग 1000 से भी ज्यादा स्काई डाइविंग जम्प्स का अनुभव था, एक दिन ओरवर ने अपने एंड्रीमर पोरडारसन इस स्टूडेंट के साथ हवाई जहाज से जम्प कर दिया। जमीन पर उतरने के लिए पहले से ही इनके कुछ साथी एक जगह इनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर होने के बावजूद इन दोनों का कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी समय बाद जमीन पर मौजूद लोगों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। तय जगह से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में दोनों की लाशें मिल गई। ओरवर के सिर पर लगे कैमरे से पता चलता है कि एंड्रीमर का पैराशूट नहीं खुल रहा था, तब ओरवर उसकी मदद के लिए दौड़ आता है। रिजर्व पैराशूट खोलने के चक्कर में दोनों जमीन के इतने करीब आते हैं कि पैराशूट खोलने का कोई मतलब ही नहीं रहता और फिर जमीन से टकराकर दोनों की ही मौत हो जाती है। 1000 स्काई डाइविंग का अनुभव होने के बावजूद किस्मत के सामने लाचार ओरवर और उसका स्टूडेंट दोनों भी जिंदा नहीं बच सके। नंबर 2, केलब मूर। केलब मूर ये व्यक्ति बेहद प्रतिभाशाली इंसान था। स्नोमोबाइल के जरिए स्टंट करने के मामले में शायद ही कोई इंसान उसका हाथ पकड़ पाता था। एक्स गेम्स में केलब ने शानदार परफॉर्म करते हुए ढेर सारे मेडल्स जीते थे, लेकिन कहते हैं ना, एक बार किस्मत का साथ न देना जिंदगी खत्म करने के लिए काफी होता है। 2013 के एक्स गेम्स के दौरान किया गया स्टंट केलब की जिंदगी का आखिरी स्टंट साबित हुआ। केलब को स्नोमोबाइल चलाते हुए बैक फ्लिप परफॉर्म करना था, लेकिन केलब ने जंप के दौरान लगाया अनुमान गलत साबित हुआ और केलब स्नोमोबाइल के नीचे गिर गया। और बस इतना ही नहीं, बल्कि भारी भरकम स्नोमोबाइल केलब के ऊपर ही गिर गई। इस कारण केलब को अच्छी खासी चोटें आ गई। हालांकि अस्पताल में केलब के ऊपर कई सारी सर्जरी की गई, लेकिन वो इतना खुशनसीब नहीं था कि जिंदगी बच सके। नंबर 1, कार्ल वालेंडा। आप निक वालेंडा को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वही निक वालेंडा जिन्होंने किसी भी सुरक्षा के बिना रस्सी पे चलते हुए ग्रैंड कैनियन पार करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। रस्सी पे चलने की ये कला निक को विरासत में मिली थी। निक कार्ल वालेंडा के परपोते थे। कार्ल वालेंडा अपने युग के जाने माने टाइट रोप वॉकर थे। बड़ी बड़ी इमारतों पे लगी रस्सियों पे वो आसानी से चल लेते थे, लेकिन वो दिन अलग ही था जब कार्ल का ये परफॉर्मेंस उनकी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस साबित होने वाला था। उम्र के 73वें साल कार्ल 2 इमारतों पे बंधे 121 फीट लंबी रस्सी पर चलकर अपना एक और कारनामा पूरा करने वाले थे, लेकिन उस दिन हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी और इसी कारण रस्सी काफी ज्यादा हिल रही थी। कार्ल रस्सी पर अपना संतुलन बनाने में असफल रहे और नीचे जमीन पर आ गिर गए। ऊंचाई इतनी थी कि कार्ल की बचने की उम्मीद ही नहीं थी और यही वजह थी जो कार्ल को मृत घोषित कर दिया गया। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए होते इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस यूनिवर्स एडवेंचर मेरा यूजर नेम है, आज के आज ही फॉलो कीजिए। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।